साथियों सभी को वंदन करती हूँ। आज हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के हम बहुत ही छोटे वाले क्वेश्चंस, जिन्हें वन लाइनर क्वेश्चंस कहते हैं, और ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने में भी काम आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। साथ ही पाठ को समझने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आज के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार बाल गोविंद भगत कैसे दिखाई देते थे? बाल गोविंद भगत एक साधु के जैसे दिखाई देते थे। उनकी आयु लगभग कितनी होगी? सेकंड प्रश्न है कि उनकी आयु लगभग कितनी होगी? उनकी आयु लगभग 60 वर्ष होगी। उनका रंग रूप कैसा है? रंग रूप जो है उनका अत्यंत गोरा दिखाई देता था। प्रश्न है कि उनकी दाढ़ी के बाल कैसे थे? तो उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। एक और प्रश्न आ रहा है, उनका कद कैसा था? उनका कद था मंझोला। वह क्या पहना करते थे? वह लंगोटी पहना करते थे। उत्तर है लंगोटी पहना करते थे। प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत कैसी टोपी धारण किया करते थे? तो वह कबीर पंथियों के समान कनफटी टोपी जो है वह धारण किया करते थे। एक और प्रश्न आ जाता है कि सर्दी आने पर वह क्या पहना करते थे? तो इसका सही जवाब है काला कंबल। उनके माथे पर किस चीज़ का तिलक लगा हुआ होता था? एक और प्रश्न है कि उनके माथे पर किसका तिलक लगा होता था? तो चंदन का लेप लगा रहता था उनके माथे पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उनके गले में कौन सी माला होती थी? तो उनके गले में तुलसी की माला होती थी। प्रश्न आ जाता है कि क्या बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे? तो सही जवाब है हाँ, वह गृहस्थ थे। प्रश्न आता है कि पाठ में उनकी पत्नी जीवित हैं या मृत हैं? तो सही जवाब है मृत। प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? उत्तर है सद्व्यवहार। प्रश्न है बाल गोविंद भगत संत कबीर को क्या मानते थे? तो इसका सही जवाब है साहब, साहेब यानी स्वामी मानते थे। उनका व्यवहार गृहस्थ होते हुए भी कैसा था? उनका व्यवहार गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी जैसा था। इसका ये सही जवाब है। संसार की वस्तुओं के लिए उनकी क्या सोच होती थी? क्या सोच थी यानी संसार की वस्तुएं क्या हैं? तो संसार की वस्तुओं से उनका कोई मोह नहीं था। झूठ के प्रति उनका क्या व्यवहार था? तो वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। अपनी फसल का कुछ अंश वह कहाँ भेजा करते थे? तो वह कबीर जी के मठ में भेजा करते थे। सही जवाब है कबीर जी के मठ में वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा भेज देते थे और जो बाकी बचता था उसे घर में प्रयोग में लाते थे। उसके बाद प्रश्न है कि पाठ में लेखक ने आषाढ़ महीने में कौन सी वर्षा का वर्णन किया है? तो इसका सही जवाब है रिमझिम वर्षा का वर्णन उन्होंने किया है। और दूसरा इसी से संबंधित प्रश्न है कि इस अवसर पर गांव में किसान किसकी फसल रोपते हैं, कौन सी फसल उगाते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है धान की फसल वह उगाया करते हैं। प्रश्न आता है, पाठ से ही संबंधित प्रश्न है, द्वितीय पैराग्राफ से हम एक प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। जो प्रश्न है वह यह है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत में कौन सी फसल रोपने का काम कर रहे थे? तो अपने खेत में वह धान रोपने का काम कर रहे थे। और इसी से संबंधित प्रश्न आता है कि उस समय वह क्या कर रहे थे साथ साथ में? तो साथ साथ में वह गीत भी गा रहे थे। उन्हें
उनके संगीत को क्या नाम दिया है लेखक ने? उनके संगीत को जादू का नाम दिया है लेखक ने। और ऐसा क्यों है, उन्हें जादू क्यों कहा है? क्योंकि इसका सभी के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता था और उनका जो गाना है उसे सुनकर के सभी बच्चे और स्त्रियां मस्त हो जाते थे और गुनगुनाने लग जाते थे। जब वह फसल उगा रहे थे तो बच्चे क्या कर रहे थे उस समय वहाँ पर खेत में? तो प्रश्न का उत्तर है, बच्चे उछल उछल कर मौसम का आनंद उठा रहे थे। इसी से संबंधित प्रश्न है कि लेखक ने वर्षा ऋतु के कौन से वातावरण का चित्रण यहाँ पर किया है? तो लेखक ने यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किया है। आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें सभी किसान अपने अपने खेतों में धान रोपाई का काम शुरू कर देते हैं, साथ ही संगीत भी चलता रहता है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि भादों की रात कैसी थी? पाठ के अनुसार भादों की रात अत्यंत अंधेरी थी। सही जवाब है, भादों की रात अत्यंत अंधेरी थी और उस समय वर्षा होने वाली थी। फिर प्रश्न आ जाता है कि भगत जी के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो उनके गीत जो थे वो ईश्वर भक्ति की भावना से भरे हुए होते थे। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति के भाव बताने हैं हमें। इस पंक्ति में जो भाव है वह मनुष्य को विषय वासनाओं से सावधान रहते हुए जीवन व्यतीत करने की चेतावनी दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।